अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बेल पे प्रेस करना है और उसके बाद आपको मेरा फेसबुक पेज लाइक करना है, फेसबुक से सर्च करके, और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। एमली ब्रा ब्यूटी सीक्रेट्स में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपकी स्किन के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट सीरम कौन सा है जो कि सच में वाइटनिंग सीरम हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी फाइज़ा सीरम पे और बायोकास सीरम पे। ये दोनों ही बहुत आजकल फेमस हुए हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं, ये क्रीम्स में मिक्स करके यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों ही यूज़ किए हुए हैं। बायोकास तो मैंने पहले भी एक बहुत पहले फार्मूला बनाया था, आई थिंक सो, वो मैंने वीडियो डेल कर दी थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बायोकास सीरम तो वाकई में ही अच्छा है क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे फाइज़ा सीरम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सीरम ऐसे हैं जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं, तभी मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे है। फाइज़ा सीरम इसलिए बनाया गया है कि अगर आप फाइज़ा क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता जैसा कि आप अपनी स्किन पे चाहते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही डल है और अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाए, अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है, तो उसके बाद बायोकास सीरम ये भी इसलिए ही बनाया गया है कि अगर आप ज़्यादा वाइटनिंग चाहते हैं तो फ्रेंड सीरम होता ही इसलिए है। तो मैंने ये दोनों सीरम यूज़ किया है। फाइज़ा क्रीम में मैंने फाइज़ा सीरम यूज़ किया था और उसके बाद मैंने बायोकास सीरम बहुत पहले यूज़ किया हुआ है, कोई हो गया है एक डेढ़ साल पहले मैंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। फाइज़ा क्रीम का तो मैंने अब यूज़ किया, लेकिन बायोकास का मैंने काफ़ी देर का यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बायोकास सीरम इफ़ेक्टिव रहा था मेरी स्किन के लिए, मुझे ये वाकई ही अच्छा लगा था जब मैंने इसको बायोकास क्रीम में और मेडिकम क्रीम थी एक, और इन तीनों को मिक्स करके मैंने जब ये यूज़ किया था तो ये फार्मूला अच्छा था बायोकास सीरम का। तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि जिस तरह का रिज़ल्ट मुझे मिला है आपको भी उसी तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। अक्सर हर टाइप की स्किन होती है, किसी की कोई स्किन होती है, किसी की किसी टाइप की स्किन होती है, सबको अपनी स्किन के हिसाब से रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको वैसा रिज़ल्ट ना मिले जिस तरह का मुझे रिज़ल्ट मिला है, लेकिन इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए। आप मेरे हैंड से देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने जब ये वाला फार्मूला यूज़ किया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था मेरे लिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह, अगर आप चाहेंगे तो मुझे बताना कमेंट्स में, अगर आप इसका फार्मूला सीखना चाहते हैं बायोकास का, मेडिकम का और बायोकास सीरम का, तो मैं आपको ये वाली फार्मूला क्रीम भी बनाना सिखा दूँगी। मेरे पे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था हुआ, लेकिन सबकी स्किन अलग अलग हो सकता है। फिर से वही बात आ गई, सबको कोई ना कोई तो होता है, किसी के किसी टाइप की स्किन होती है, किसी को फ़वाद मिलते हैं, किसी को नुकसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी खुद की फरमाइश होगी तो मैं आपको ये बनाना सिखा दूँगी, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। अदरवाइज़ अब हम बात करते हैं फाइज़ा सीरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइज़ा सीरम मैंने फाइज़ा ब्यूटी क्रीम में ऐड करके यूज़ किया था। इसका रिज़ल्ट भी मुझे मिला था, बहरहाल अच्छा था, ठीक था, लेकिन जैसा रिज़ल्ट होना चाहिए मुझे तो वैसा नहीं था मिला। लेकिन आप देख सकते हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसकी डिब्बी बिल्कुल खाली है, तो अच्छा रहा था मेरे लिए। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बायोकास सीरम भी अच्छा है, फाइज़ा भी ठीक ही है। तो क्योंकि वही कहते हैं ना कि स्किन के हिसाब से होता है, ये मेरे कज़न ने यूज़ किया है फाइज़ा सीरम, उसने भी यूज़ किया था, इसलिए फिर मैंने भी मंगवा के यूज़ किया कि देखते हैं मुझे भी वैसा रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही मिला, क्योंकि वही तो बात है कि स्किन सबकी अलग अलग होती है, स्किन के हिसाब से होता है, एक जैसी स्किन नहीं होती, किसी की कम्बिनेशन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की डल होती है, किसी की ऑयली होती है, ड्राई होती है, हर टाइप की स्किन होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो अच्छा रहा था, ठीक था फाइज़ा क्रीम में जब मैंने यूज़ किया, रिज़ल्ट इसका मिला था मुझे भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सीरम पे, आप इनको क्रीम्स में यूज़ करके, मतलब अगर आप फाइज़ा क्रीम परचेज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रंग, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा फाइज़ा से, तो आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा थोड़ा सा रिज़ल्ट मिले, या आपकी वाइटनिंग 1 से 4 गुना या 5 गुना या 100% रिज़ल्ट चाहते हैं, तो फिर आप फाइज़ा सीरम फाइज़ा क्रीम में ऐड कीजिए तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा था, इफ़ेक्टिव था, लेकिन बायोकास मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था।
तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए सोचा कि मुझे आपको आपके साथ इस पर भी रिव्यू देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा रिव्यू देना चाहिए जो कि सच्चा होना चाहिए। आपको सच में रियलिटी बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब हम अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो ला सकूँ और हमारी दोस्ती पक्की हो सके। तो अभी के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।